स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि वे भारतीय जनता पार्टी में आकर खुश और संतुष्ट हैं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से खास बातचीत की है स्वराज संवाददाता अरविंद चौहान ने। कहां का खरीदी होगी? देखिए, खरीदी चल रही है मध्य प्रदेश में और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और जितनी अपेक्षा हम लोगों को थी अपेक्षा से अधिक गेहूं आ रहा है। हर दिन करीब मैं समझता हूँ 2 से 2.5 लाख मेट्रिक टन गेहूं करीब आ रहा है। सब जगह व्यवस्था कर दी गई है और हम कोशिश हमारी है कि टाइम से परिवहन होता रहे और परिवहन टाइम से होता रहेगा तो पानी का टाइम है, फसल खराब भी नहीं हो पाएगी और किसानों के खाते में पैसा भी है। क्योंकि पैसा जाता है अभी उसके माध्यम से बैंकिंग के माध्यम से ई बैंकिंग के माध्यम से पैसा जाता रुक जाता है तो उसको ट्रांसफर होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन किसानों को पर्याप्त पैसा की व्यवस्था हो रही है और मैं समझता हूँ कि खरीदी अपेक्षा के अनुसार इस बार ज्यादा होगी। देखिए, एक बड़ा सवाल उठता है, अभी आपने ये इसका जम्मा संभाला है, जो आपके वेयर हाउसेज हैं उसमें जो तौल होती है उस तौल में किसानों को कहीं ना कहीं उनके संग धोखा हो रहा है, ऐसी सूचनाएं बराबर पिछले 3-4-5 साल से मिल रही हैं। धोखा इसलिए हो रहा है कि तौल जब होती है, कोई किसान अगर 50 क्विंटल गेहूं देता है, अगर 20-25-30 किलो एक्स्ट्रा गेहूं जाता है तो उसकी पावती नहीं मिलती है। आपसे अनुरोध यह है कि आप अपने लेवल पर इसकी जाँच कराएं, अगर जाँच पाई जाती तो क्या कार्रवाई करेंगे? सर, एक बड़ा मुद्दा है, इस प्रकार की शिकायत बस अभी नहीं आई है, लेकिन यह है कि हमने कहा है कहीं कोई शिकायत आती है तो उस पर न केवल कड़ी कार्रवाई की जाएगी बल्कि उस व्यक्ति को सस्पेंड कर दिया जाएगा। देखिए, तौल का क्या होता है कि पहले तौल होती है समिति में और फिर उसके बाद में जाता है कांटे पर, और वेयर हाउस वाला तौल इसलिए करवाता है कि वो जो रखता है ना गेहूं, वो चाहता है गेहूं की तौल सही है कि नहीं। इन 3 जगह से गेहूं गुजरता है, थोड़ा बहुत गेहूं सूख भी जाता है, गेहूं तुलने के बाद में रखा रहता है धूप में सूख जाता है, लेकिन फिर भी किसान परेशान ना हो, समिति पर कोई अतिरिक्त बोझ ना आए, ये हमारी तैयारी है और कहीं से कोई शिकायत अभी तक विशेष तौर से नहीं आई है, आएगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लगभग 200-250 वेयर हाउस है पूरे प्रदेश में, जिस पर लगभग 100 से ज्यादा वेयर हाउस की जांच चल रही है, कोई निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला है? मेरे संज्ञान में अभी ऐसी जांच नहीं आई, क्योंकि मुझे मंत्री बने 15 दिन हुए हैं, लेकिन जहां आएगी तो मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं। देखिए, राजस्व सहकार मैं मंत्री बना रहा हूँ, परिवार रहा हूँ, सहकारिता और फूड हमारे हाथ में, सहकारिता खाद्य नगर का बोल, जहाँ जो शिकायत आएगी मैं किसी भी व्यक्ति को छोड़ने वाला नहीं हूँ। ईमानदारी से काम होगा, किसान को पूरी मदद होगी, फूड में गरीब आदमी तक राशन पहुँचे हमारा सोचना है। 2 माह का राशन पहले जमा करा दिया था हमने, अब चावल भी आ गया है हमारा, चावल आने में थोड़ा विलम्ब हुआ क्योंकि चावल बालाघाट और जबलपुर रीवा तरफ से आता है, लेकिन जैसे चावल आया तो चावल ही बांटना शुरू कर दिया हमने, दाल भी हम दे रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का कहना है हमारी सरकार में कोरोना के चलते कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, और ये हम लोगों का सोचना है, हर गरीब व्यक्ति को, हर असहाय व्यक्ति को, हर मजदूर को, श्रमिक को पर्याप्त खाद्यान्न मिले, भूखा नहीं रहे। सर, कोरोना काल में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है जो करवाने वाले अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो कहीं पगीता लगाने का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए सर क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत सारी खबरें आ रही हैं, 10 किलो जहाँ गेहूँ दिया जा रहा है वहाँ 8 किलो निकल रहा है, 7 किलो निकल रहा है, 6 किलो निकल रहा है, सर उसके लिए क्या करेंगे आप? क्या कोई, क्योंकि एक थंब इम्प्रेशन का भी काम शुरू किया गया था, उसके लिए क्या किया है? थंब इम्प्रेशन को हटा दिया गया है, लोग अभी भी लाइन में लगे हुए हैं, सर उन तक कैसे पहुंचा जाए? आपका काम यहाँ से सब कुछ बढ़िया जा रहा है, लेकिन जहाँ होना चाहिए ग्राउंड लेवल पर सही कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, थंब का जहाँ तक है तो थंब में लगाना तो कंपल्सरी होता है, लेकिन बहुत जगह से सुझाव आए थे कि चूंकि संक्रमित के चलते हुए लगातार अंगूठा लगाने से शायद बीमारी फैलने खतरा रहता है, इस कारण से मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की और मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली बात की और दिल्ली से कुछ समय के लिए थंब हटा दिया गया है, अब फ्री व्यवस्था है। ये कोरोना के चलते है, कोरोना के बाद थंब फिर से शुरू हो जाएगा। हमारे साथ थे गोविंद सिंह राजपूत, साफ तौर पर कहना है कि जो भी क्योंकि उन्हें विभाग मिला है उसके मैं उस विभाग में वो तन्मयता से काम कर रहे हैं और साफ तौर पर उनका उद्देश्य है, उनकी सरकार का उद्देश्य है कि जो भी अनाज है जो गरीबों को हित में, गरीबों का अनाज है गरीबों तक पहुंचाया जाए, साथ में
खरीदी हो रही गेहूं की किसानों की उसके उसमें किसी प्रकार की अगर हेरा फेरी की शिकायत मिलती है तो जबरदस्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन सुरेश कटियार के साथ अरविंद चौहान।